वही सरया सुजान थाना क्षेत्र में NH 28 पर माधोपुर गांव के पास रोड को क्रॉस करने के लिए खड़े बाइक सवार ससुर व बहू को लग्जरी बस ने रौंद दिया, जिसे दोनों की मौत हो गई। दिल्ली से बिहार को जाने वाली लग्जरी एसी बस के रौंदने से मौत हो मौके पर ही पुरुष की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि अस्पताल ले जाते समय महिला की भी मौत हो गई। नेशनल हाईवे पर क्रॉस की कोई इंडिकेटर या निशान नहीं बने होने से आए दिन घटनाएं होती रहती है, लेकिन जिम्मेदारी का कोई परवाह नहीं रहता। विभागीय लापरवाही के कारण लोगों को जान गंवानी पड़ती है। यातायात विभाग की लापरवाही के कारण गाड़ियों की गति सीमा ओवरलोडिंग दुर्घटनाओं की वजह बन रही है। यात्रियों व राहगीरों को इनका खामियाजा भुगतना पड़ता है। दुर्घटना के बाद मौके से बस चालक फरार हो गया। गुस्साए ग्रामीणों ने बस में तोड़फोड़ की। मौके पर पहुंची पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन कब्जे में लेकर थाने भेज दिया, जबकि शवों को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई में जुटी हुई है। कुशीनगर से हमारे संवाददाता गुड्डू कुमार की खास रिपोर्ट। ये सर, ये बस वाले की गड़बड़ है या बस वाले एक्सीडेंट किया? वो दोनों लेडीज और जेंट्स दोनों आदमी आ रहे थे और वो क्रॉसिंग रोड के कॉर्नर पर रुके थे। वो बस वाला तुरंत अपना वो लेफ्ट लिया और उसको तुरंत मार दिया। वो पूरा आदमी भी पूरा दोनों कर से मर गया, औरत भी मर गया, और बस वाला के आगे चल के बस वाला मोटरसाइकिल भी उसमें फंस गया है। बस वाला सब सवारी कूद के भाग गए, ड्राइवर भी भाग गए और वहाँ पर कोई नहीं है। बस फोड़ फाड़ दिए सीधा उधर सब। ये बस वाले की कमी है, बस वाले रोकते नहीं हैं और इन लोग प्रशासन आते हैं बस अपना लाश बटोरे लेके चले गए जी। ये प्रशासन ये रोड की कमी है। यहाँ पे ये ब्रेकर लगाते हैं, लाइट लगाते हैं, यहाँ पे स्टॉप का फिगर लगाते हैं, वो कोई गाड़ी वाला स्लो करके जाता है। यहाँ क्रॉसिंग है ना, ये आने जाने पर आदमी एनी टाइम एक्सीडेंट होता है यहाँ पर। ये पहले के नहीं, इसका पहले कितना एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पर? ये जो है एक माधोपुर गाँव पड़ता है, थाना तरिया सुजान कुशीनगर जनपद में। यहाँ पे हाईवे पे ही बस जा रही थी, बस का नंबर UP 6552 है और ये खोड़ों की तरफ मुड़ने की कोशिश की रही थी। मौके पहुँचने पर बताया गया लोगों द्वारा कि केवल रॉन्ग साइड चलने के कारण जो है एक महिला एक पुरुष जो बाइक में बैठे थे उनसे ठोकर खाई है और पुरुष की जो है मृत्यु हो गई है। महिला जो है उनको अस्पताल भेजा गया है। बॉडी जो पुरुष का है उसको वही जो है दर्दनाक मौत हुई है पुरुष की, उस पर जो है देखा जा रहा है, और महिला को भेजा गया अस्पताल। महिला जो है अभी तक ट्रीटमेंट चल रहा है, इलाज चल रहा है। हाँ बिल्कुल, देखा जा रहा है कि कई बार कि दिल्ली से आने वाली या हरियाणा से आने वाली, फरीदाबाद राजस्थान से आने वाली बसें जो 120-130 की स्पीड से गाड़ी चला रही हैं उन पर आज भी चेकिंग अभियान पहले भी चलाया गया था, आज भी चलाया जाएगा और विधिक रूप से स्पष्ट रूप से कार्रवाई की। तोड़फोड़ के स्तर पर देखा जा रहा है तो बस में जो भी दिखाई दे रहा है उसकी जाँच हो रही है। हालांकि ऐसा कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है, फिर भी उसकी जाँच कार्रवाई की जाएगी।